क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत और श्रीलंका 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हुए। वहीं आज होने वाले मैच में सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए जीतना काफी जरूरी है। मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर जब टीम इंडिया उतरी तो टीम के सामने लक्ष्य साफ था, जीत दर्ज कर विजय के अपने सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस श्रीलंका ने जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब तक बुलंद शुरुआत देते आ रहे रोहित शर्मा अपने होम ग्राउंड पर खास नहीं कर पाए और महज 4 के स्कोर पर दिलशान मधुशंका की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला, जिनका बखूबी साथ दिया जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी हुई और इस बीच दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों का विकेट मधुशंका ने लिया। शुभमन गिल ने 92 गेंद पर 92 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए। यहां से पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने 56 गेंदों पर 82 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। अय्यर 82 पर आउट हुए, लेकिन इन तीन दमदार पारियों के बल पर भारत ने 8 विकेट पर 357 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 358 रन के लक्ष्य को सामने देख श्रीलंका ने पहली ही गेंद पर सरेंडर कर दिया, जब जसप्रीत बुमराह ने पथुम दिसांका को शून्य पर LBW किया। लेकिन ये महज शुरुआत थी और देखते ही देखते श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी के आगे ढेर होते चले गए। हाल ये रहा कि श्रीलंका ने महज 14 रन के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों के विकेट गवा दिए। श्रीलंका की टीम इस स्थिति से निकल नहीं पाई और पूरी टीम महज 19.4 ओवर में 55 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस विश्व कप की पहली टीम है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD News, मुंबई।